हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नूर देसी व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज सोमवार है और हम सुबह सुबह अपने दूसरे घर जो हमारा न्यू शिवाज नगर जो देवाल बस्ती में है ना, वहाँ पर गए थे। सुबह जाना था उधर क्योंकि बहुत दिन हो चुके थे दूसरे परिवार वालों को मिले हुए, तो हमने सोचा कि चलो हम अब इस बार जाएँ। तो फिर गए थे। ये उधर की ही क्लिप है, ये मैंने जो बेटा उठा रखा है ना, बच्चा छोटा सा, ये मेरी देवरानी का बेटा है, मतलब मेरा भतीजा है। और ये साथ में जो लड़की खड़ी है, ये मेरी भतीजी है। और ये जो आप बेड पर देख रहे हो ना इनको, ये मेरे ससुर जी हैं। तो चलिए अब हम अपनी थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं। मसम्मी का खाने जबरदस्ती डंडा केला अमरूद सेब हो या तो चाकी चाकी ना नट के खा लेंगे। खाल नहीं सेब पे तो खांदी है ये सेब अमरूद का फिर देना ना केला मसम्मी नहीं खांदी मतलब चाय थोड़ी जी खा पर इधर दूध का टाइम हो गया। ओए चल रे दूध का टाइम हो गया दूध का टाइम हो गया ना मां बड़ी मुश्किल देना पड़े ना कई बार तो मार दी जाए पहले बंद करा था मां 2 मिनट दी होगी मैं तो बना ले रहा हूं ये पता नहीं क्या बनाया हमने कुछ बना लो। बच्चों को हम उधर ही छोड़कर आए थे और आते वक्त हम ना सामान लेकर आए थे, अपनी दुकान का ख़त्म हो रखा था। तो ये शाम का टाइम है तो फिर मैंने आकर अपना सारा काम किया। तो फिर नहा धोकर मतलब शाम को मैंने सब अच्छी तरह से सामान को सैनिटाइज़ किया, तो मैं उसको दुकान में अब सेट कर लूँगी। और दोस्तों, एक ना मैंने एक बहुत अच्छी मतलब वीडियो नहीं साखी सुनी थी, स्टोरी है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। एक बार ना एक राजा होता है, मतलब ये वो वाली स्टोरी है जैसे हम कहते हैं ना कि हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पाप उसका सारा हमारे सर पर ही आ जाएगा। तो एक बार ना एक राजा होता है और वो ना 100 भूखे साधुओं को उसने खाना खिलाना होता है। तो वो भूखे साधुओं को खाना खिलाता है और खाने में ना उसके खीर होती है, तो खीर में ना मतलब एक सांप का जहर पड़ जाता है। तो राजा उन जो भूखे साधुओं को खिलाता है ना खीर, तो वो सारे के सारे मर जाते हैं। तो फिर राजा को अपनी इस बात का बहुत ज़्यादा पश्चाताप होता है कि उसके हाथों से इतना बड़ा गुनाह हो गया। तो वो उसका मतलब उसको दिन रात ये बात खाई जाती है। तो फिर वे डिसाइड करता है कि मुझे ना इसका पश्चाताप करना चाहिए, मुझे जंगलों में जाकर ना भक्ति करनी चाहिए ताकि मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं। तो वो जाता है ना एक गांव में जाता है, वहां वो कुछ लोग बाहर बैठे होते हैं गांव में ना, तो उनसे पूछता है कि जहां पर मतलब सबसे ज़्यादा पूजा पाठ कौन करता है। तो इसके लिए वो उनसे ना शिक्षा लेना चाहता है कि जो सबसे ज़्यादा अधिक पूजा पाठ करता है मैं उनके साथ रहकर अपनी भक्ति का ऐसे सीख सकता हूँ। तो गांव वाले उसको बताते हैं कि इस गांव में तो एक लड़का और लड़की जो भाई बहन है दो, वही सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। तो वो राजा उनके घर चला जाता है। तो फिर उनको वही बताता है कि मुझे एक रात के लिए आप अपने घर में जगह दे दीजिए। तो वे मान जाते हैं। तो फिर राजा उठता है सुबह जैसे मतलब अपनी रूटीन में, तो फिर लड़का वो जो बहन का भाई होता है ना, तो वे उठ जाता है सुबह और उसको ऐसे होता है कि हमारे घर वो आए हैं, कोई मेहमान आया है, तो हमें मेहमान हमारे लिए भगवान का रूप होते हैं, तो इसलिए हमें उनकी मतलब आओ भगत में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। तो वे लड़की ना अपनी सुबह पाठ पूजा करते करते उसको बहुत टाइम हो जाता है। तो वे बताती है कि बहन आज तुम्हें इतना टाइम क्यों हो गया कि तुम इतनी देर से उठी। तो वे राजा ना सब बातें बाहर खड़ा होकर सुन रहा था कि आज वो बहन उसकी बताती है कि आज मैं ना धर्मराज के पास मतलब मेरा ध्यान धर्मराज के पास उनकी कचहरी में लगा था, तो उनके पास एक प्रश्न आया था कि ऐसा भी ऐसा ऐसा करके एक राजा के हाथों मतलब पाप हो चुका है। तो वे समझ नहीं पा रहा है कि वो पाप है या क्या है, क्योंकि उससे ना गलती अनजाने से हुई है। उसने जो भूखे साधुओं को खीर खिलाई थी ना, उसमें जहर पड़ जाने की वजह से वो सारे मर चुके हैं। तो फिर राजा उसका ना
सारा बोझ अपने सिर पर समझता है। तो वे मतलब उसको क्या होना, मतलब जब वो बताता है ना कि आगे क्या हुआ, तो फिर बहन बताती है कि उसके बाद मेरा ध्यान टूट गया, तो फिर भी कल पता चलेगा कि उसकी कचहरी में आगे उसका क्या फैसला होता है। तो राजा को ना बाहर बहुत उत्सुकता होती है सुनने के लिए, तो फिर वे खड़ा खड़ा सोचता है कि मैं एक रात और रुक जाऊँगा, तो फिर इससे मैं अपनी वो सुन लूँगा, मतलब जो फैसला होना था ना, ये सारे मेरे बारे में बता रहे हैं, तो फिर मैं इस तरह से अपना डिसाइड कर सकता हूँ कि मैंने पाप किया है या नहीं किया है, तो फिर मुझे इसका पश्चाताप कैसे होगा। तो वे उनको बताता है कि क्या मैं आज आपके साथ एक रात और रुक सकता हूँ, तो वे दोनों मान जाते हैं कि रुक जाइए। तो इस तरह से ना जो लोग होते हैं ना बाहर, जिन्होंने उनको उनके घर भेजा है, तो वे लोग सारा पूरा दिन ना मतलब वही राजा की बुराई करते हैं कि उस राजा मतलब उस आदमी का ना मतलब दिल भटक गया, उसने उस लड़की जो जवान थी ना, उस भाई की बहन थी, उसको उस पर उसका दिल आ गया, मोहित हो गया। तो इस तरह से वे अब उनके घर नहीं जाएगा, उनके पास ही रुक जाएगा। तो इस तरह से वे राजे की बहुत बुराई करते हैं, ऐसे करते करते उसकी सारा दिन मतलब जितने भी लोग होते हैं ना सभी उसकी ऐसे बुराई करते हैं कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया होगा ऐसा किया होगा। तो वे जब अगली सुबह उठता है ना, तो फिर वे भाई फिर उससे पूछता है और वे राजा कि आगे क्या हुआ, धर्मराज ने क्या फैसला सुनाया। तो वे लड़की बोलती है कि फैसला तो ये हुआ कि कौन सा पाप, ये जो सारा है ना हमारा मतलब निंदा चुगली, ये तो सारी मतलब उसका सारा पाप था ना, वो सब बंट गया है। अब जो लोग ऐसे मतलब किसी की भी निंदा करते हैं, तो वे ना जैसे हम किसी की निंदा कर लें ना, तो उसका सारा पाप हम उस व्यक्ति के सिर नहीं थोप सकते, वो सारा ना हमारे ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। तो बस ऐसे ना दुकान का हमारा ये जो काम है ना, इसलिए हमें इसको दिमाग हमारा इधर ही रहता है कि हमें किसी भी काम को ना छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, हमें उसको दिल लगाने से मतलब उसको अच्छी तरह से करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, हमारा ध्यान बंटा रहता है और हम किसी की निंदा चुगली करने में अपना टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो इसलिए और इधर ये ना हमारे पड़ोसियों का आज व्रत था, ये बिहार की है ना, मतलब इनका बिहार साइड में बहुत इनका साल में ना बहुत इनके व्रत आते हैं, तो आज ये इनका जीवतिया का व्रत था। ये ना थोड़ी सी क्लिप मैंने वीरवार की ऐड की है, कल आज फ्राइडे है, तो ये कल वीरवार की क्लिप थी। तो ये अपनी पूजा वगैरह कर रही हैं, इनका बहुत तगड़े तगड़े व्रत होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, तो इस तरह से मैंने थोड़ी सी उसकी क्लिप निकाली। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।